मैं अपने गुरु महाराज को, इष्ट भगवान को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का आपके कार्यक्रम, आपका जीवन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बातचीत करेंगे पंचांग की, आपकी राशियों की, गुड बैड टाइम, खास विषय और पेशकश में टिप्स की। चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग से। आज रविवार का दिन है, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। क्या कहते हैं आपके सितारे, जान लेते हैं। मेष राशि के लोगों को भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, धनदायक दिन है, वाणी अच्छी है। आज आप वाणी से कमाल कर सकते हैं, किसी का मन जीत सकते हैं। कुटुंब परिवार का सुख मिल रहा है, एजुकेशन के लिए समय मध्यम है, जॉब बिजनेस में लाभ के योग है। विशेष सलाह, किसी को आप उल्टा ना बोलें और जरूरी काम पे जाते वक्त हनुमान चालीसा पढ़ें, काम पे निकलें, लाभ होगा। वृषभ राशि के लोगों को घर गृहस्थी का, परिवार का सुख मिल रहा है। आज आपको विशेष सफलता मिल सकती है, एजुकेशन में समय अच्छा है, जॉब बिजनेस में भी आज कामयाबी मिल रही है। ऊर्जान्वित है, विशेष सलाह, उदास नहीं रहना, तनाव नहीं लेना। जरूरी काम करते वक्त अर्गला स्त्रोत का पाठ करें, काम पे निकलें, सफलता मिलेगी। मिथुन राशि के लोग आज कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं दिन आपको दे रहा है, सावधानी रखें। एजुकेशन में समय ज्यादा ठीक नहीं है, विदेश यात्रा संबंधित काम हो सकता है। जॉब बिजनेस में भी कोई विशेष निर्णय ना लें, बड़ा बदलाव ना करें। मांगलिक कार्य होने के योग हैं और जरूरी काम करें तो गाय को हरा चारा डालें, काम पे निकलें, फायदा होगा। कर्क राशि के लोगों को एजुकेशन में विशेष सफलता मिल रही है, घर गृहस्थी का, परिवार का सुख मिल रहा है, भूमि भवन वाहन का सुख मिल रहा है। वाणी अच्छी है, ऊर्जान्वित आप रहेंगे। कर्क राशि वाले कोई जरूरी काम करें तो शिव चालीसा पढ़ेंगे, फिर काम पर निकलेंगे, लाभ होगा। चलिए जान लेते हैं गुड बैड टाइम। आज का शुभ समय रहेगा सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक। इस 1.5 घंटे में विशेष कार्य में विशेष फायदा होगा। आज का अशुभ टाइम रहेगा शाम 5:03 से लेकर के 6:36 तक। इस टाइम में जरूरी काम करने से बचें। आज आपको पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी, और जरूरी काम से पश्चिम दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो पान का सेवन करके निकलें, फायदा होगा। अब जानते हैं आपकी अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि के लोगों को कारोबार में, एजुकेशन में, जॉब में सफलता मिल रही है, लाभ के अवसर मिलेंगे, रुकी हुई पढ़ाई पूरी होगी। आज मित्रों से सहयोग मिल रहा है, अपनों का साथ मिल रहा है, प्लानिंग से आगे बढ़े, फायदा होगा। जरूरी काम पे जाते वक्त गाय को गुड़ दें, काम पे निकलें, सफलता मिलेगी। कन्या राशि के लोगों को मेहनत से कामयाबी मिल रही है, भाग्य अच्छा है, दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। घर गृहस्थी का, परिवार का, एजुकेशन का सपोर्ट मिल रहा है, जॉब बिजनेस में लाभ के अवसर मिल रहे हैं, इसलिए मेहनत से आगे बढ़ें, विवाद में नहीं फंसना, ये सावधानी रखें। जरूरी काम पे जाते वक्त गणेश जी भगवान को दुर्वा चढ़ाएं, काम पे निकलें, लाभ होगा। तुला राशि के लोगों के लिए समय ज्यादा ठीक नहीं, मिला जुला टाइम, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, सावधानी रखेंगे। कुछ बीमारी घेर सकती है, चिंता सता सकती है, धोखा मिल सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। एजुकेशन में समय ठीक है, जॉब बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। जरूरी काम करते वक्त कन्याओं को आटे का दान करें, काम पे निकलें, लाभ होगा। वृश्चिक राशि के लोगों को
परिवार का गृहस्थी का सुख अच्छा मिल रहा है, भाग्य का सपोर्ट है, एजुकेशन भी ठीक है, मन खुश रहेगा, कारोबार में उन्नति हो रही है, तरक्की दिख रही है। लाइफ पार्टनर को नाराज ना करें। अब बात करते हैं हमारे महत्वपूर्ण विषय पर। आज बात करेंगे क्यों मिलता है धोखा, कैसे बचें धोखे से। सुनिए जरा, जिन लोगों का लग्नेश बहुत कमजोर होता है, जिनका छठा भाव कमजोर होता है, ऐसे लोगों को अधिकतर धोखे मिलते हैं। कहीं ना कहीं से कोई मान हानि हो जाती है। जिनका लग्नेश मजबूत हो, छठा भाव मजबूत हो, तो ऐसे लोग धोखा नहीं खाते, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। छठे स्थान में शनि राहु हो या छठे स्थान को शनि राहु देखे, तो ऐसे लोग दुश्मनों को परास्त करते हुए विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन आपका तीसरा स्थान पीड़ित या खराब हो जाए, छठा स्थान निर्मल हो जाए, निर्बल हो जाए, छठे स्थान में नीच का ग्रह हो, आपका बारहवें स्थान पीड़ित हो, तीसरे स्थान में नीच का ग्रह हो, तो फिर भी समस्याएं आती है, कहीं ना कहीं से धोखे अधिक मिलते हैं। चौथा स्थान पीड़ित हो तो परिवार के लोग और मित्र लोग धोखा देते हैं। आठवां स्थान पीड़ित और खराब हो तो ससुराल से धोखा मिलता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पहचानेंगे कि धोखे के योग हैं या नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि किन उपायों से आप धोखे से बचेंगे। यदि ये उपाय करेंगे तो आपको धोखा नहीं मिलेगा, और धोखा मिल चुका है तो आगे आपको फायदा रहेगा, फिर धोखे से दुखी नहीं होंगे। जिन लोगों के धोखे के योग हो या जिनको धोखा मिल रहा हो, ऐसे लोग सूर्य उदय के एक घंटे के अंदर आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ें, सूर्य को गायत्री मंत्र से जल चढ़ाएं। अगला उपाय, मंगलवार को सांड को गुड़ खिलाना शुरू करें। किसी भी रूप से गरीबों की, मजदूरों की सेवा, जिनके धोखे के योग हो या जिनको लगातार धोखा मिल रहा हो, ऐसे लोग चांदी की हनुमान जी की गदा को कच्चे दूध गंगा जल में धोकर के सिंदूर का तिलक करें और बैठ करके 11 बार बजरंग बाण के पाठ से अभिमंत्रित करें। मंगलवार को ये करना है और लाल डोरे में गले में ये धारण करनी है। आप देखिएगा धोखे से बचेंगे, प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जिन लोगों को लगातार अपने ही लोग धोखे दे रहे हों, जिन पे भरोसा करते हैं वहां से ही धोखा मिलता हो, तो प्रभु से अपनी गलती की क्षमा मांग करके अपने इष्ट भगवान का जप करना शुरू करें। आप धोखे से बचोगे, समस्याएं दूर होनी शुरू होगी। कम से कम महीने में एक बार आटे की गोलियां मछलियों को डालें, मछलियों की सेवा करें, जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी और धोखा जो आपको देगा वो खुद ही परेशान होगा, आप धोखे से बच जाएंगे। ये उपाय आप करें। हर शनिवार को सुंदरकांड पढ़ने का नियम बनाएं और उड़द और सरसों के तेल का दान करें। जो उपाय मैंने आपको बताए, इनमें से आप कुछ उपाय भी कर लेते हो तो आप धोखे से बच जाओ।
धोखा देने वाले लोग खुद दुखी होंगे, आपका जीवन सुखी होगा, मन दिमाग प्रसन्न रहेगा और आप जीवन में सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सबके लिए विशेष सलाह, देखिएगा जो लोग किसी को धोखा देते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, ऐसे लोगों को भगवान माफ नहीं करते। जीवन में ऐसे लोगों को भी बड़ी हानि और दुख झेलना पड़ता है, इसलिए किसी को धोखा ना दें। कर सकते हैं तो परहित के लिए कार्य करें, किसी की मदद करें। धनु राशि के लोगों को आज कोई शत्रु सता सकता है, चिंता सता सकती है, हानि हो रही है, भाग्य की हानि के योग हैं, सावधानी रखें। महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेंगे आज तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिन सामान्य है, जॉब बिजनेस में मिला जुला टाइम है, एजुकेशन भी समय ज्यादा अच्छा लेके नहीं आ रहा, एजुकेशन में भी समय मिला जुला है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। अपने आप को ऊर्जान्वित रखें, विवाद में ना फंसाएं और जरूरी काम करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, काम पे निकलें, लाभ होगा। मकर राशि के लिए लाभ भरा दिन है, धनदायक दिन है, वर्क प्लेस पे कामयाबी मिल रही है, एजुकेशन में भी जो विषय आपको समझ में नहीं आ रहा था समझ सकते हैं, दिमाग अच्छा काम कर रहा है, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, मांगलिक और अच्छे कार्य हो सकते हैं। बस आपको गुस्से पे नियंत्रण रखना है, बाकी ईश्वर की दया से सब ठीक है। महत्वपूर्ण कार्य करते वक्त ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, काम पे निकले, सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के लोगों को कहीं ना कहीं से फायदा हो रहा है। आज आपको माता पिता का विशेष आशीर्वाद मिल रहा है, भवन का वाहन का सुख मिल रहा है, पढ़ाई में समय अच्छा है, जॉब बिजनेस में भी तरक्की हो रही है। धैर्य नहीं खोना, ये आपके लिए विशेष सलाह है। मांगलिक कार्य हो सकते हैं, आज मित्रों को नाराज नहीं करना और जरूरी काम करें तो उड़द का दान करेंगे, फिर काम पे निकलेंगे, लाभ होगा। मीन राशि के लोगों को कहीं ना कहीं से भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, अपनी मेहनत से कामयाब होंगे। एजुकेशन में समय ठीक है, जॉब बिजनेस में टाइम अच्छा है, आज सफलता के योग है, जरूरी काम करें तो भोले बाबा का नाम लें, काम पे निकलें, आप देखिएगा सफलता मिलेगी, आप सफल जरूर होंगे। चलिए अब बात करेंगे टिप्स की, अब बात करेंगे खास पेशकश में आपके लिए क्या है खास टिप्स, सुनिए जरा। जो लोग लगातार उदास रहते हों, जिनके दिमाग में तनाव रहता हो, डबल माइंडेड रहते हों, मन शांत नहीं रहता हो, ऐसे लोग क्या करेंगे, भोले बाबा पे अभिषेक करने का नियम बना लें। पानी में कच्चा दूध डाल के शिव भोले को नहलाएं, ओम नमः शिवाय का जप, चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें, सोमवार को एक मुट्ठी चावल गौ माता को खिलाएं और रोजाना देसी कपूर सफेद कपड़े में बांधकर उसकी स्मेल लें, सूंघें, घास पे टहलें, आप देखो आपको विशेष फायदा होगा, चिंताएं दूर जाएगी, आप खुश रहेंगे। प्रोग्राम पूरा देखा करें, लाइक कमेंट किया करें, जीवन बदलेगा, देखते रहिएगा मेरे साथ आपका जीवन कार्यक्रम रोज सुबह 8 बजे इंडिया न्यूज 64।